वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक नया सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि ये बुक से है, इंग्लिश में है। मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। बुक का नेम है हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ। इसमें बताया गया है कोई भी चीज पाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, तीन स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं जो कि है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जब हम आस्क करते हैं उसके बाद हमें बिलीव करना होता है, उसके बाद हमें जो चीज हमें चाहिए होती है हमें वो मिल जाती है। लेकिन जब स्टेप टू है वो बहुत जन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बिलीव होता है। बिलीव एक ऐसा बिलीव जिसमें आप एकदम फेथ रहे, हमारे जो भी डिजायर्स है उसके ऊपर फेथ रहे, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रहे, आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स ना आए, आप एकदम ट्रूली फेथफुल रहे कि हाँ ये चीज होगा ही, आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं आना चाहिए। ये चीज इस तरीके से काम करती है। तो जो सेकंड स्टेप है बिलीव करने का, लोग उसी में थोड़ा डगमगा जाते हैं एंड उनका जो डिजायर है वो पूरा नहीं हो पाता है। यहाँ पर ये बुक में ये भी बोला गया है व्हेन यू मास्टर बिलीविंग यू हैव मास्टर्ड योर लाइफ। जब आप बिलीव में मास्टरी हासिल कर लेते हैं आप अपने लाइफ में भी मास्टरी हासिल कर लेंगे। मैं एक स्टोरी है यहाँ पर निया का स्टोरी मैंने यहाँ पर मेरे बुक में हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है, वो मैं पढ़ के आपको सुनाने वाली हूँ। होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगेगा सुन के एंड आप एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। तो 6 महीने पहले मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम ये डिसाइड किए थे कि हम अपने जो सिटी है जहां हम रह रहे हैं उसे छोड़ के हम दूसरे सिटी में जाएंगे जहां पर मेरा बॉयफ्रेंड पहले रहा करता था, ठीक है। मैं यानी कि निया का स्टोरी है ये, ठीक है। तो निया ऐसा बोल रही थी, तो उसने वो उसके जो बॉयफ्रेंड है वो अपने दोस्त के साथ जॉब ढूंढने के लिए पहले वहां पर चला गया, वहां पर शिफ्ट हो गया। और यहाँ निया उसे बहुत मिस कर रही थी और निया अपने ऑफिस में भी रेजिग्नेशन दे चुकी थी, वो अपने नोटिस पीरियड में थी और नेक्स्ट मंथ वो भी अपने बॉयफ्रेंड को ज्वाइन करने वाली थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा था, उनके हिसाब से उन्होंने जिस तरीके से प्लानिंग किया था ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके बॉयफ्रेंड को उसका मनपसंद जॉब नहीं मिला जिसके कारण वो 1 महीने तक जॉबलेस था और यहाँ निया को भी जॉब नहीं मिल रहा था, जो नए सिटी में वो लोग रहने वाले वहां पर उस निया को भी जॉब नहीं मिल रहा था। एंड करंटली निया जो अपार्टमेंट में रह रही थी उसे दूसरे को भी देना था। अगर उसे एक नया अपार्टमेंट लेने के लिए, मतलब वो जो करंट अपार्टमेंट में रह रही है अगर उसमें रहने के लिए कोई नहीं मिला होता तो उसे 3 महीने का किराया देना पड़ता जो कि निया इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, उसके पास टाइम और पैसे जैसे हाथ से फिसलता जा रहा था ऐसा दिख रहा था। एक वीकेंड में जब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी वो लोग ने अपार्टमेंट देखने गए थे जहाँ पर वो लोग न्यू सिटी में जाके रहने वाले हैं, वो लोग अपार्टमेंट देखने गए थे। बट वो देखने के बाद उन्हें पता चला कि वो जो फैमिली वहाँ वो अपार्टमेंट में रह रहे हैं वो उस दिन मूव नहीं कर सकते जिस दिन निया और उसका बॉयफ्रेंड जा रहे हैं वहाँ पर मूव इन हो रहे हैं, उस दिन वो लोग वो अपार्टमेंट नहीं छोड़ सकते हैं। वो फैमिली कुछ दिनों बाद वो अपार्टमेंट छोड़ने के लिए रेडी हो रहे थे। उन लोगों ने हर चीज शेड्यूल कर ली थी, ट्रांसपोर्टर बुक कर चुके थे, डेट भी फिक्स हो गई थी और डेट चेंज भी नहीं कर पा रहे थे वो लोग, डेट चेंज नहीं हो सकता था, ठीक है। फिर एक हफ्ते पहले जब वो बहुत मायूस थी तब उसने द सीक्रेट बुक रीड किया, उसे द सीक्रेट के बारे में पता चला। द सीक्रेट बुक उसने रीड किया, किसने किया? निया ने किया। निया ने द सीक्रेट बुक रीड किया और उसमें वो ग्रेटिट्यूड स्टोन्स प्रैक्टिस के बारे में उसने देखा। ग्रेटिट्यूड स्टोन्स प्रैक्टिस वो उसने देखा और उसने फिर सोचा कि ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। उन्होंने क्या किया, 2 ग्रेटिट्यूड स्टोन्स अपने पास रखे, 2 ग्रेटिट्यूड स्टोन उन्होंने कलेक्ट किया और अपने पास रखा। उन्होंने जैसे ही वो ग्रेटिट्यूड स्टोन्स कलेक्ट किया अभी उन्होंने दोनों स्टोन्स जो है अपने हाथों में रखा, हाथ में ग्रेटिट्यूड स्टोन्स पकड़ के दूसरे हाथ से वो हर चीज लिखने लगी जो उसे चाहिए था, जिसके लिए वो ग्रेटफुल है, जिसके लिए वो थैंकफुल है। एक बात बताना चाहूंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते टाइम अगर हम थैंकफुल होते हैं, अगर हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, ये बहुत पावरफुल चीज होती है जो हम करते हैं। तो जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं हमें ग्रेटिट्यूड हमेशा एक्सप्रेस करना चाहिए, हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए
और निया ने भी सेम वही किया। निया ने ग्रेटिट्यूड रॉक जब उसने पकड़ा वो दूसरे हाथ से लिखते गई, जो भी उसको चीज मिला है अभी तक वो हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते गई, थैंकफुल होते गई अपने हर एक चीज के लिए जो उसे मिल गया है। स्पेशली वो जो वो अभी चाह रही थी कि वो अभी एक नए अपार्टमेंट में मूव इन हो जाए, मूव इन हो गई है नए सिटी में। उसने ये भी लिखा कि उसे अपनी जॉब और वैकेशन के बारे में भी लिखना था जो उसे चाहिए था। उसने तुरंत जॉब चाहिए था, उसे तुरंत निया को तुरंत जॉब चाहिए था, बट साथ ही में उसे थोड़ा टाइम भी चाहिए था ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ न्यू अपार्टमेंट में न्यू सिटी में सेटल हो सके। उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए जॉब मांगा और ये भी चाहा कि वो लोग सेम वही डेट पे ज्वाइन करे और वही डेट पे वो लोग अपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो जाए जहां वो रहना चाहते हैं। उसने ये डेट भी फिक्स कर लिया कि किस दिन हम लोग वो न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाले हैं, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। उसने रेड पेन से उसने डेट लिखा, वो जो इसमें लिख रही थी वो उसने डेट लिखा रेड पेन से, उसने डेट को लिखा ताकि उसका फोकस बने वो डेट पे। उसने दो पिक्चर्स निकाले उसके न्यू अपार्टमेंट का, जो उसने दो पिक्चर लिया था अपने अपार्टमेंट का उसने रेड पेन से लिख लिया वो डेट। एक पिक्चर वो अपने पास रखती थी और दूसरा जो पिक्चर है वो अपने बेड साइड में रखती थी। और उसने ये भी विश किया था कि एक अच्छी लड़की, एक अच्छी लेडी उसके करंट अपार्टमेंट में रहने आ जाए जिस दिन वो मूव हो रही हो। निया ने वो ग्रेटिट्यूड स्टोन अपने जीन्स पॉकेट में कैरी करना स्टार्ट किया और जब भी वो स्टोन को छूती थी वो हर वो चीज याद करती थी जो उसने उस रात को लिखी थी। और ये सब प्रैक्टिस करके कुछ ऐसा मैजिक मिरेकल हुआ कि 5 दिन पहले जब वो अपार्टमेंट से मूव होने वाली थी, एक लड़की ने उसे कॉल किया और बोली कि वो उस जो अपार्टमेंट में वो फिलहाल रह रही है वो अपार्टमेंट में रहना चाहती है। और उसने मेरा यानी कि निया का वॉशिंग मशीन भी ले लिया जो वो न्यू सिटी में कैरी नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो निया और उसका बॉयफ्रेंड सेम डे में न्यू अपार्टमेंट में भी शिफ्ट हुए जिस दिन उसने प्लान किया था, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, सेम वही डेट पे वो लोगों ने न्यू अपार्टमेंट में ज्वाइन किया, न्यू अपार्टमेंट में मूव किया। और दोनों को जॉब्स भी मिल गए, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन किया एंड वो दोनों को 2 वीक्स का डेट मिला था ताकि वो 2 वीक्स बाद अपना जॉब जो है वो ज्वाइन कर सके। तो इसी तरीके से निया ने अपने सेम डेट पे न्यू अपार्टमेंट में मिला, उसको जो करंट जो उसका लास्ट अपार्टमेंट था उसमें एक लड़की भी रहने आ गई थी एंड दोनों को, बॉयफ्रेंड को और निया को दोनों को जॉब्स भी मिल गए थे एंड उनको वैकेशन भी मिल गया था ताकि वो लोग न्यू अपार्टमेंट में सेटल हो सके। सो यही था एक सक्सेस स्टोरी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सक्सेस स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। नेक्स्ट टाइम मैं अलग एक अच्छी और अच्छी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रू सक्सेस स्टोरी के साथ आऊंगी। इससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती और वो ये है कि आपको पता होना चाहिए जो भी आप चीज मांग रहे हैं वो आप ही का है। आपको बस इतना करना है कि आपका जो फेथ है, जो आपकी बिलीव है, उसे बहुत ज्यादा हाई बिलीव रखनी पड़ेगी। उससे आप अपनी जो भी डिजायर है उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं। आपको इस तरीके से एक्ट करना होगा, इस तरीके से बात करना होगा जैसे कि वो ऑलरेडी आपका है या ऑलरेडी आपको मिल चुका है। और इसी से जो बिलीव है वो दर्शाता है, इसी से जो बिलीव है वो आप एक्सप्रेस कर पाते हैं। निया ने सेम वैसा ही किया। निया ने 2 पिक्चर्स लिए और उसमें उसने डेट रखा, उसने डेट लिखा कि वो उसी दिन को मूव इन हो रही है। लेकिन इसमें क्या हो गया, निया को ये भरोसा हो गया था कि वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है उसी डेट में, इसीलिए उसने वही डेट पे शिफ्ट हो गई। यूनिवर्स ने ऐसा मैजिक क्रिएट किया, ऐसे मिरेकल्स क्रिएट किए, ऐसे सरकमस्टेंसेस क्रिएट किए कि वो उसी दिन को जो है मूव इन हो गई है अपने न्यू अपार्टमेंट। जब आप अपने डिजायर्स के ऊपर, अपने यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करेंगे, यूनिवर्स वो हर एक चीज करेगा ताकि वो डिजायर आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया सक्सेस स्टोरी देखेंगे।
ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए। एंड आपका कोई अगर सक्सेस स्टोरी है आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसमें भी शेयर कर सकते हैं, मैं आपका सक्सेस स्टोरी जरूर बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।